नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अध्ययन कोचिंग पॉइंट में। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है यूपी ट्रिपल एससी पीईटी कट ऑफ। आज हम यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि इसकी क्या कट ऑफ रह सकती है, मिनिमम कितने मार्क्स आपको लाने चाहिए कि ताकि आप सभी विभागों में फॉर्म भर सकें। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं क्या है। सबसे पहले मैंने लिखा है कि कोई भी एक कट ऑफ निर्धारित नहीं है। बिल्कुल सही बात है, जैसे कि अन्य एग्जामों में, प्री एग्जामों में पहले कट ऑफ लगती थी कि इतने अंक सबको लाने हैं और तभी आप अगले एग्जाम में बैठ सकते हो, तो इसके लिए कोई भी एक निर्धारित नहीं है कि आपको 65 नंबर अगर आप लिए मान लेते हैं तो आपको ये नहीं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठ जाएंगे। सभी विभागों की कट ऑफ अलग अलग होगी, आप इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएंगे उतना ही आपको आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि सभी विभाग अपनी कट ऑफ अलग रखेंगे। ठीक है, दूसरा मैंने ये कहा कि पैट के अंक ही विभागों में फॉर्म भरने की योग्यता बताएंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, वीडियो की कट ऑफ अलग लगने वाली है, लेखपाल की कट ऑफ अलग लगने वाली है, और तुम्हारा जूनियर असिस्टेंट है उसकी कट ऑफ अलग जाने वाली है। तो कहने का मतलब ये ऊपर नीचे कट ऑफ इनकी आपस में रहने वाली है, तो इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आने हैं। ठीक है, नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि कट ऑफ जो है वो लगभग जो है अलग अलग विभागों की या तो अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। ऐसा नहीं है भाई जूनियर असिस्टेंट और लेखपाल की दोनों की कट ऑफ सेम भी हो सकती है किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लेके। ठीक है, और अलग भी हो सकती है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहली बात, ठीक है, जैसा कि आपको पता है 25 जून इसकी लास्ट डेट थी फीस जमा करने की, तो लगभग अब सारी प्रक्रिया जो है समाप्त हो चुकी है। अब एक महीने बाद इसका एग्ज़ाम भी है। ठीक है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। देखो, वैसे तो आप 100 में से कितने भी मार्क्स ला सकते हो, 1/4 की नेगेटिव है, पर आप एक बार ज़रा ध्यान से देखें कि जो पेपर है ना आपका, ये ना तो इसमें मैथ ज़्यादा नंबर का है और ना ही इसमें रीजनिंग ज़्यादा नंबर की है। सभी को 5-5 या 10-10 के पार्ट में डिवाइड कर रखा है, जिसमें अगर मैं बात करूं 70 से 75% कम से कम सिलेबस आपका जीएस बेस है। जीएस बेस आपका 75% सिलेबस है, इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, करंट अफेयर और अलग से आंदोलन दे रखे हैं, तो लगभग 70% सिलेबस आपका जो है वो जीएस बेस है। अब आप समझ सकते हो जीएस बेस में भाई एक बच्चा है नॉर्मल, वो जीएस के लिए मैक्सिमम जीएस की अगर हम बात करें कि अगर 50 नंबर का पेपर होता है तो अगर अच्छी खासी जीएस है तो भी वो कितने नंबर लेके आता है, ज़्यादा से ज़्यादा 50 में से 30-35 ही लेके आता है। बहुत अच्छी जीएस है तो अलग बात है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर इसके क्राइटेरिया की बात की जाए, वैसे तो ये फॉर्म जो है 10th लेवल का है, परंतु उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह रखा है जो एग्ज़ाम का पैटर्न होगा वो 1 से 9 तक के लेवल का डिफ़िकल्ट लेवल होगा। हल्का लेवल नहीं, डिफ़िकल्ट लेवल होगा। तो आप समझ सकते हो कि वो 10th लेवल वैसे दिखा रखा है, 12th लेवल तक की वो बात कर रहे हैं। ठीक है, डिफ़िकल्टी लेवल को लेके, तो मतलब सिलेबस तो 10th तक करेंगे। बात करते हैं अब क्या ग्रेजुएशन वालों के लिए भी यही रहेगा, पोस्ट ग्रेजुएशन वालों के लिए। हाँ जी बिल्कुल, ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन, सबके लिए यही सिलेबस रहने वाला है, और बस इसका लेवल जो है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट कर देंगे ताकि सबके लिए एक। दूसरी बात, अब मैं बात करता हूँ कट ऑफ की। कट ऑफ मैंने क्या आपको बताया कि भाई देखो, ये कोई एक्चुअल कट ऑफ नहीं है, ये कोई एक्चुअल कट ऑफ मैं आपको नहीं बता रहा, ये केवल आपको मैं सेफ स्कोर बता रहा हूँ कि आप जो है इतने पे सेफ रहने वाले हैं। ये आपका सेफ स्कोर होगा, क्या होगा, ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है कि इस तरीके से आप इतने। तो जैसे कि आपको दिख रहा है जर्नल के लिए मैंने यहाँ पे 70 से 75 स्कोर लिया है। कितना लिया है, 70 75, हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है देखते हुए, पर फिर भी आपको पता है इतने दिन से रह रहे हैं, इतने दिन से मतलब लोग तैयारी कर रहे हैं, पिछले 1.5-2 साल से तो भर्ती नहीं हुई है यूपी ट्रिपल एससी को भी सही सी। ठीक है, तो मतलब कहने का ये है कि बच्चे तैयारी में लगे हुए हैं और लेवल 10th है, तो जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जो आगे की तैयारी, हालांकि आपने देखा हो, आप क्या लगता है कि 10th लेवल का ही बच्चा इसको फॉर्म को भरेगा, नहीं, इसे ग्रेजुएशन लेवल जो UPSI की तैयारी कर रहे हैं, PCS की तैयारी, सब इसको भरेंगे, क्योंकि आज के टाइम में बेरोजगारी इतनी है। ठीक है, तो सब चाह रहे हैं कि नौकरी कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे मिल जाए, तो भाई वो तो 70-75 आराम से क्रॉस कर लेंगे। और आपको पता है कि फॉर्म भी लगभग 25 लाख के करीब हैं, 25 से 30 लाख के बीच में हो रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि भाई अब मान लेते हैं कि आपकी वीडियो की वैकेंसी है, और मान लेते हैं 5000 वैकेंसी आपको निकली है। कितनी वैकेंसी निकली है, 5000 वैकेंसी निकली है, और इसने कहा जी हम तो अपने का 20 गुना लेंगे। अगर वे 20 गुना ले रहे हैं तो भैया वे कितने बच्चों को ले रहे हैं, 1 लाख बच्चों को ले रहे हैं। अब आप देखें, समझे जरा, 1 लाख बच्चों को अगर वो ले रहे हैं
भाई प्री में वो 20 लाख बच्चों 20 गुना लेंगे कि हम मेंस के लिए इनको वो करते हैं कि वो फॉर्म भर सकते हैं। अब अगर वो 1 लाख बच्चों को ले रहे हैं तो समझो 25 लाख अगर फॉर्म है, मान लिया 2-3 लाख ने अगर पेपर नहीं दिए, 20 लाख ने भी अगर पेपर दिए, तो 20 लाख में से 1 लाख में आना बहुत बड़ी बात हो जाती है। सबसे पहले तो 20 लाख में से 1 लाख में आने के लिए तो भैया मिनिमम कट ऑफ आपको 70 से 75 जनरल के लिए क्लियर करनी पड़ेगी, ये आपकी मैक्सिमम है। देखो मैं मुझे लगता है कि 75 से ज़्यादा आपका वीडियो या कोई भी एग्ज़ाम है ये नहीं, क्योंकि ये पीईटी टेस्ट है। 75 से ज़्यादा जनरल के लिए कट ऑफ नहीं जाने वाली है, क्योंकि यार इतना भी पढ़ने वाले बच्चे नहीं है कि जो 75 को भी, हालांकि नंबर 75 से ज़्यादा भी आएंगे, 80 भी आएंगे, 85 भी आएंगे नंबर, पर रेशो की अगर हम बात करें, केवल एक दो स्टूडेंट थोड़ी लेना है। वैकेंसी तो वहाँ 5,000 है और उसको 20,000 20 गुना लेना चाह रहे हो। इसी तरह से अगर मैं लेखपाल की बात करूँ तो उसमें भी ऐसी होगा। तो मतलब ये अपनी मिनिमम क्राइटेरिया मान लेते हैं। अब ये जो 1 लाख बच्चे पकड़ेंगे, ये टॉप के 1 लाख बच्चों को पकड़ेंगे, समझ में बात आ रही है? तो 1 लाख टॉप के बच्चों में अगर आना है तो आपको 70 से 75 जनरल के लिए लाना पड़ेगा। उसके बाद अगर मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 68 से 72, और ईडब्ल्यूएस की और ओबीसी की जो मेरिट है वो मैंने लगभग सेम रखी है, और इतना ही रहने वाला है, आप देख सकते हैं। ठीक है, एक आध नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो कह नहीं सकते। उसके बाद एससी गर्ल्स की बात करते हैं, एससी और गर्ल्स की 60 से 65 मिनिमम मेरिट रहने वाली है, और अगर एसटी की बात करें तो ये 55 से 60 के बीच में मेरिट हमारी रहने वाली है। तो ये आपको मिनिमम कम से कम भैया इतने नंबर का तो आपको लाना पड़ेगा अगर आपको फाइट करनी है। देखो अगर आपको ये चाहते हो कि हम स्टेट के अंदर सारे एग्जाम दें, तो अगर जर्नल में हो तो भैया इस बाउंड्री को आपको पार करना पड़ेगा 75। अगर आप 75 लेके आ रहे हो ना तो आप इतने सिक्योर हो कि कोई भी एग्जाम आप स्टेट का दे सकते हो। ठीक है, 70 से 75, 70 तक भी आप सिक्योर ही हो, ऐसे नहीं है कि 70 तक भी सिक्योर ही हो। कहने का मतलब ये, एक दो नंबर अगर ऊपर नीचे गड़बड़ हो जाता है तो उसमें फिर दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो 75 बिल्कुल। इसी तरह से मैं आपको बता रहा हूँ, ईडब्ल्यूएस में 72 तक है और ओबीसी में भी 72 तक आप बिल्कुल सिक्योर हो, आप कोई भी स्टेट का फॉर्म भर सकते हो। बात समझ में आ रही है? तो इसकी कोई फिक्स कट ऑफ नहीं है भैया, आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला सकते हो लेके आओ, ताकि आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठ सकें, किसी भी एग्ज़ाम में आपको बैठने का मौका मिले। तो एग्ज़ाम अगले महीने है, ठीक है, और सरकार को बहुत जल्दी भी एग्ज़ाम कराने की, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इलेक्शन आ रहे हैं, तो बहुत ही जल्दी से इसकी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, और बहुत सारी वैकेंसी हैं। आपको पता ही है, वीडियो कैंसिल हो गया था पिछला, ठीक है, लेखपाल भी आ रहा है, जूनियर असिस्टेंट भी आएगा, तो मतलब इसी तरह के बहुत सारे। और एक बात मैं आपको और बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ना सारी, ये समूह घ की वैकेंसी आएंगी सारी, ठीक है, समूह घ की वैकेंसी, और समूह घ की भी हो सकती है। अब इसमें ऐसा होता है, देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, कुछ वैकेंसियाँ 10th लेवल से नीचे की होती हैं। 10th लेवल से नीचे की वैकेंसी के लिए पैट की ज़रूरत नहीं है भाई, उसके लिए गवर्नमेंट अलग से कुछ विज्ञप्ति निकालेगी और उसके लिए अलग से कोई प्रक्रिया होगी, तो उसके लिए बेफिक्र रहें, क्योंकि समूह घ की जो वैकेंसी होती है ना, तो उसमें जो है कभी कभी 10th से नीचे जैसे 8th क्लास पास ही है, तो भाई उसमें क्या होगा, गवर्नमेंट होते हैं वे भी, तो उसमें पैट की ज़रूरत नहीं है, आपको पैट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ना ही इस पर ये आपको कि आप ग्रेजुएशन से हो तो आपको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी, भैया इसमें ना ग्रेजुएशन देखा जाएगा, ना 10th देखा जाएगा, ना 12th देखा जाएगा, इसमें देखा जाएगा आपके पैट के अंक कितने हैं। सबसे पहली बात पैट के अंक, दूसरी बात कि अगर वैकेंसी निकलती है तो किस लेवल की वैकेंसी निकल रही है। अगर 10th लेवल की वैकेंसी निकल रही है और आप 10th लेवल के बच्चे हो और आपके सबसे ज़्यादा नंबर है तो आपको ले लेंगे। फिर अगर 12th लेवल की वैकेंसी निकल रही है और आपने केवल 10th कर रखी है और नंबर आपके ज़्यादा हैं तो आपको नहीं लेगी। उसके बाद ग्रेजुएशन की अगर बात करें, ग्रेजुएशन में आपके पैट में नंबर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है, मतलब एक बंदा ग्रेजुएशन का है उसके पैट में नंबर कम है, आप 12th लेवल के हो, आपके 12th में नंबर ग्रेजुएशन वाले से ज़्यादा हैं, तो आपको वो नहीं लेंगे क्योंकि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है। तो भैया आपको इधर भी फुलफिल करके चलना है क्राइटेरिया, और क्राइटेरिया आपको जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए आप भरोगे उसके लिए भी आपको फुलफिल करके चलना है। ठीक है, देखते रहिए, धन्यवाद।